जय श्री महाकाल, आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न में द्वितीय भाव में सूर्य के साथ यदि नव ग्रह में से कोई भी ग्रह बैठा है तो आपको कैसा फल प्राप्त करेगा। हम अलग अलग ग्रहों के फल को सूर्य के साथ समझेंगे, अलग अलग युति के फल को जानेंगे। आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सीखना है ज्योतिष तो फॉलो महाकाल तंत्र ज्योतिष। चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली का निर्माण किया हुआ है और द्वितीय भाव में वृषभ राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने वृषभ राशि में सूर्य के फल के विषय में आपको बताया है। आज हम नव ग्रहों की युति का फल समझेंगे। अगर सूर्य देव के साथ यहाँ पर चंद्रदेव विराजमान हो जाए, जी हाँ, द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा जो जातक होता है वह काफी धनाढ्य होता है और अपने धन को अपनी सुख और सुविधाओं के लिए खर्च करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुख के स्थान का स्वामी चंद्रमा है जो द्वितीय भाव अर्थात धन के घर में जाकर बैठ जाता है और वृषभ राशि जो है चंद्रमा की उच्च राशि है और चंद्रमा जो है वह चंचल ग्रह है, जल तत्व राशि का ग्रह है और धन को वह जल की तरह बहाता है। परंतु यदि द्वितीय भाव में सूर्य के साथ विराजमान हो जाए तो ऐसे जातक के पास बहते हुए जल की तरह धन भी आता ही रहता है। और सूर्य चंद्र यदि इस स्थान पर बैठ जाते हैं तो पंचमेश सूर्य के साथ यदि चंद्रमा विराजमान है, क्योंकि सूर्य अपने घर से दशम भाव में बैठा हुआ है, अर्थात ऐसे जातक का धन जो है अपने कार्य क्षेत्र के लिए या अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए बहुत अधिक खर्च होता है। ऐसे जो जातक होते हैं अपने कुटुंब के बड़े प्रेमी होते हैं, परिवार के प्रेमी होते हैं और परिवार के लोगों की सुख सुविधाओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, यदि स्वयं लग्नेश मंगल यहाँ पर विराजमान हो जाए द्वितीय भाव में, अगर लग्नेश मंगल इस भाव में विराजमान हो जाते हैं तो इस तरह के सूर्य और मंगल की युति से जातक अपनी परिश्रम से धन प्राप्त करता है, उसे पैतृक धन भी प्राप्त होता है, अपने किसी संबंधी का धन भी उस जातक को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं लग्नेश है, साथ में वह अष्टमेश भी है और अष्टम स्थान से जो है गुप्त धन या अचानक प्राप्त होने वाला धन देखा जाता है। वहीं मंगल यदि सूर्य के साथ विराजमान है तो ऐसा जो जातक होता है वह अपने पिता के सहयोग से काफी धन भी प्राप्त करता है और पिता से संबंधित व्यवसाय करके काफी धन प्राप्त करता है। तो मंगल की जो स्थिति है यदि लग्नेश द्वितीय भाव में जाकर विराजमान होता है तो काफी अच्छी धन की स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि बुद्धि के स्थान के स्वामी के साथ, क्योंकि यहाँ सूर्य और मंगल की जो युति है अपनी मेहनत और बौद्धिक क्षमता के आधार पर ऐसे जो जातक होते हैं धन प्राप्त करते हैं और ऐसे जातकों का अपने भाइयों से या अपने पिता के भाइयों से बड़ा ही अच्छा प्रेम संबंध होता है और कार्य के क्षेत्र में भी वह संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। अब हम आगे बात करें, यदि सूर्य के साथ बुद्ध देव इस भाव में विराजमान हो जाते हैं तो कैसा फल प्राप्त होगा। जी हाँ, मेष लग्न की कुंडली के लिए बुद्ध जो है बाधक ग्रह है, क्योंकि वह लग्नेश का शत्रु भी है और उसके साथ तृतीय और षष्ठ भाव का स्वामी भी है। यदि सूर्य के साथ बुद्ध विराजमान हो जाते हैं तो द्वितीय भाव में बोधादित्य नाम का योग बन जाता है और यह योग उत्तम योग माना जाता है, लेकिन लग्नेश का शत्रु होने के कारण और मेष लग्न के लिए बाधक होने के कारण बुद्ध जो है धन के भाव में उत्तम नहीं रहेगा, क्योंकि वहीं यह ऋण का भी कारक है। जब सूर्य और बुद्ध की युति हो जाएगी तो ऐसा जातक अपनी बौद्धिक क्षमता को खोकर व्यर्थ में धन का व्यय करता है, जिसके कारण उसके ऊपर कर्जे की स्थिति बन जाती है, अर्थात उसके शत्रु उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो द्वितीय स्थान में सूर्य और बुद्ध की जो स्थिति है बहुत उत्तम नहीं मानी गई है। अब हम बात करते हैं, यदि इस जगह पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए तो जातक को कैसा फल प्राप्त होगा। यदि द्वितीय भाव में सूर्य के साथ
देव गुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए तो बृहस्पति नवम और द्वादश भाव का स्वामी है, अर्थात भाग्येश का धनेश के साथ युति और पंचमेश के साथ, भाग्येश की पंचमेश के साथ युति एक प्रकार से राजयोग का निर्माण कर देती है, क्योंकि दो त्रिकोण के स्वामी की युति जो है हमेशा उन्नति कारक मानी गई है। हमेशा ऐसे जातकों के पास बौद्धिक क्षमता और भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। नवम भाव जो पूर्वजों का कारक है, यदि वह कुटुंब के भाव में धन भाव में बैठ जाता है तो ऐसे जातक के ऊपर पितरों की अपने पूर्वजों की बड़ी अच्छी कृपा होती है और धन पुत्र आदि केवल और केवल पूर्वजों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है और पिता का कारक स्वयं सूर्य उस भाव में विराजमान है तो यह भी स्थिति द्वितीय भाव में धन के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। परंतु सूर्य जो है, बृहस्पति जो है, वह द्वादश भाव का भी कारक है और अपने भाव से पराक्रम में बैठा हुआ है। यदि इन ग्रहों के ऊपर किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव हो जाए या पाप दृष्टि हो जाए या यह ग्रह निर्बल हो या अपनी दशा में या गोचर में द्वितीय बारहवें भाव का फल कर रहा हो तो जातक को धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और धन प्राप्ति में उसे काफी कठिनाई होती है। ऐसा जो जातक होता है वह अपने कार्य क्षेत्र में बिना सोचे समझे धन का व्यय कर देता है जिसके कारण उसे हानि भी उठानी पड़ती है। तो यह योग द्वितीय भाव में उत्तम फल देता है परंतु व्यय के स्थान का स्वामी होने से बृहस्पति कभी कभी अशुभता भी करता है लेकिन यह पूरे जीवन काल के लिए नहीं है। अब हम बात करेंगे यदि इस भाव में शुक्रदेव विराजमान हो जाए, जी हाँ, अगर स्वयं राशि स्वामी इस भाव में विराजमान हो जाए तो क्या होगा। शुक्र जो है मेष लगे की कुंडली के लिए मार्केश है और वह शुभ फल करने वाला नहीं है, अर्थात बुद्ध की तरह मेष लगने के लिए बाधक माना गया है। अब शुक्र स्वयं यदि अपने भाव में बैठ जाता है तो वह सूर्य के साथ बैठा हुआ है जो उसका परम शत्रु है और सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और शुक्र द्वितीय सप्तम का स्वामी है तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक का जो धन है भोग विलास में सुख सुविधाओं में ज्यादा खर्च होगा। ऐसा जातक जो है श्रृंगार प्रिय होगा और अपनी शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए धन का व्यय करेगा। अब यहां पर सूर्य और शुक्र की युति, क्योंकि शुक्र स्वयं इस भाव का स्वामी है तो अपने भाव के फल को नष्ट नहीं करेगा लेकिन इससे संबंधित अधिक व्यय जरूर करवा देगा। ऐसी स्थिति में जातकों के परिवार वाले धन के लिए उसी से लड़ने झगड़ने लगते हैं और सप्तम का स्वामी होकर वह द्वितीय में विराजमान है, सूर्य के साथ विराजमान है तो ऐसे जातक का दाम्पत्य सुख भी काफी प्रभावित होता है क्योंकि वह अपने से अष्टम भाव में विराजमान है और स्वयं द्वितीय भाव में विराजमान है तो यह दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी सी हानि करेगा। अब बात करते हैं हम यदि शनि देव इस भाव में विराजमान हो जाए तो यहां देखना आवश्यक है कि द्वितीय भाव में शनि और सूर्य दोनों परम शत्रु विराजमान हैं। शनि दशम और एकादश भाव का स्वामी है और दशमेश और लाभेश यदि धन में जाकर बैठ जाए तो धन की बहुत अच्छी स्थिति करता है क्योंकि धन कमाने के लिए कर्म करना आवश्यक है जो स्वयं शनिदेव है और उससे प्राप्त लाभ जो होता है वह धन का होता है वर्तमान समय में। तो कर्मेश और लाभेश यदि धन में जाकर विराजमान हो जाए तो जातक को काफी पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। ऐसा जो जातक होता है जोखिम भरे कार्य करता है और बहुत बुरी परिस्थिति में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता है, अंत में वह अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सूर्य के साथ यह स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ प्रतीत होती है, अर्थात द्वितीय भाव के फल में मिला जुला फल मिलेगा।
या तो सूर्य शनि को फल नहीं करने देगा या शनि सूर्य को उसका फल नहीं करने देगा। अब ऐसी जो स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य के घर से यह जो स्थान है वह छठे भाव में है और सूर्य धन में बैठा हुआ है और सूर्य से छठे भाव का स्वामी शनि है, तो इस स्थिति में जातक के जो पार्टनर होंगे वह उसे धोखा दे देंगे। कहने का मतलब यह है कि उसके ऊपर किसी ना किसी कारण से कर्ज बढ़ता जाएगा। जब भी गोचर में या दशा में शनि की दशा आएगी और शनि में सूर्य का जब भी अंतर आएगा तो जातक के ऊपर कर्ज बढ़ना ही बढ़ना है, उसके सहयोगी उसे अवश्य धोखा दे देंगे। अब हम बात करेंगे यदि इसी भाव में राहु विराजमान हो जाए। जी हाँ, यदि राहु विराजमान हो जाते हैं तो जातक को कैसा फल प्राप्त होगा। यदि इस भाव में राहु विराजमान हो जाएंगे तो धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि शनिवत राहु और कुजवत केतु, राहु जो है शनि के हिसाब से फल करेगा, शनि के स्वभाव के अनुसार फल करता है। अब राहु के पास कर्म करने की शक्ति तो नहीं है, लेकिन वह ग्रह को अपने नियंत्रण में करके और उससे कर्म जरूर करवा सकता है। अब द्वितीय भाव में राहु की स्थिति पितरों के लिए अशुभ मानी गई है। पितर जो है, अगर राहु द्वितीय भाव में है तो पितर तृप्त नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, या परिवार में पितृ दोष की संभावनाएं भी बन जाती है, क्योंकि सूर्य के साथ राहु देव विराजमान है। अब राहु की जो स्थिति है वह सूर्य का शत्रु है, तो सूर्य अगर कमजोर होगा तो राहु उसे अपने प्रभाव में लेकर फल कराएगा, तो राहु के हिसाब से जो फल होगा वह कुटुंब में रोग दे सकता है, धन में जो पैतृक संपत्ति है उसे नुकसान पहुंचा सकता है यदि राहु अशुभ होगा तो। उसके साथ साथ पारिवारिक कलह का भी बड़ा कारण बनता है, और उसके साथ साथ ये जो ग्रह है यह मानसिक प्रताड़ना और बुद्धि को भ्रम में करने का कार्य करता है, और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो मनुष्य विनाश की तरफ जाने लगता है। तो द्वितीय भाव में सूर्य के साथ राहु भी बहुत अच्छा फल करने वाला नहीं है। अब अगर यहां पर केतु देव विराजमान हो जाए तो कहा गया है कि कुजवत केतु मंगल के समान केतु फल करता है, तो केतु के साथ एक बात है कि इसके पास बौद्धिक क्षमता तो नहीं है परंतु कर्म करने की क्षमता है। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके अनुरूप या उसके निर्देश अनुसार कार्य करने लग जाता है। तो सूर्य के साथ विराजमान है तो सूर्य के हिसाब से फल करेगा, अर्थात जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा और धन का संग्रह करने वाला होगा। लेकिन यदि यह पीड़ित है और पाप प्रभाव में है तो ऐसा जो केतु है वह शारीरिक रोग, पारिवारिक कलह और इसके साथ साथ अवरोधक योग का निर्माण कर देता है। ऐसे जातक के भाग्य में मेहनत तो होती है लेकिन मेहनत के अनुसार लाभ नहीं होता है। तो यहां भी केतु की स्थिति अधिक अच्छी नहीं मानी गई है, परंतु राहु की अपेक्षा केतु ठीक है। यदि केतु यहां है तो मामा के पक्ष के पूर्वज और उनका दोष जातक के ऊपर जरूर प्रभावी होगा और वह अपने मातुल के पितरों से प्रभावित होता है, तो इस स्थिति में जातक को थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है। और इसके साथ साथ जो ग्रह स्थिति होती है वह संपूर्ण इसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यहां हमने केवल और केवल सूक्ष्म रूप से भाव के अनुसार ग्रह की युति का फल उनकी मित्रता शत्रुता या सम स्वभाव के अनुसार अध्ययन किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूं। जय श्री महाकाल।